नमस्कार, जोहार, आदाब। झारखंड और देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। प्रवीण जैन छाबड़ा बने अध्यक्ष, धीरज नतीजा किशोर उपाध्यक्ष। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सहित 7 पदाधिकारियों के लिए हुए चुनाव में प्रवीण जैन छाबड़ा अध्यक्ष चुने गए, वहीं धीरज तनेजा और किशोर मंत्री उपाध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हुए। महासचिव के पद पर राहुल मारू जबकि राम बंगार और दीनदयाल वर्णवाल संयुक्त सचिव निर्वाचन हुए। परेश गणाती कोषाध्यक्ष बने, इनका कार्यकाल 9 माह का होगा। यह खबर है जमशेदपुर से। आदितपुर के बालू कारोबारी हत्याकांड में संजीव लोहार समेत 4 गिरफ्तार, गवाही से ही रोकने के लिए हत्या। आदितपुर के बालू कारोबारी संजय नंदी की हत्या का खुलासा हो गया है। उसकी हत्याकांड के एक मामले में अदालत में गवाही रोकने मकसद से की गई थी। पुलिस के मामले में संजीव लोहार समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। न ही मंडी खत्म होगी, न ही SSP हटेगा, धान खरीद केंद्र के उद्घाटन के मौके पर बोले सांसद। यह खबर है जमशेदपुर के चाकुलिया से। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार वर्ष 2024 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने के प्रयास में जुटी हुई है। नए कृषि कानून में किसानों को उत्पाद बेचने के लिए मंडी के अलावा दूसरे विकल्प भी खोल दिए गए हैं, ताकि उन्हें उनकी उपज पर आधिकारिक मूल्य मिल सके। कानून को लेकर कई प्रकार के भ्रमित फैलाए जा रहे हैं। सरकार न तो मंडी खत्म करेगी और न ही SSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य हटाएगी। झारखंड के पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी, नए साल से मिल सकता है साप्ताहिक अवकाश। काम के बोझ तले दबे झारखंड के पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी है, नए साल से उन्हें भी साप्ताहिक अवकाश देने की तैयारी चल रही है। बताया गया कि नए साल से थाना में पदस्थापित पुलिस कर्मियों को सप्ताह में एक दिन रोटेशन के आधार पर अवकाश मिल सकता है। जिन लोगों को अवकाश मिलेगा उनमें इंस्पेक्टर से लेकर आरक्षित रैंक तक के पुलिसकर्मी शामिल होंगे। इस अवकाश का उपयोग पुलिसकर्मी अपने निजी काम, मनोरंजन, योग और पारिवारिक काम में कर सकेंगे। हालांकि अवकाश का मतलब पूरी तरह से छुट्टी नहीं होगी। दल बदल मामले में झारखंड विधानसभा के स्पीकर से पहले बाबूलाल मरांडी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, KBR दाखिल कर कही ये बातें। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में स्पीकर से पहले भाजपा नेता ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। बाबूलाल मरांडी के KBR दाखिल कर कहा कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष की याचिका पर कोई भी फैसला सुनाने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। झारखंड हाईकोर्ट की इस मामले में 17 दिसंबर को सुनवाई की थी और स्पीकर की कार्रवाई पर 13 जनवरी 2021 तक अंतरिम रोक लगा दी थी। श्री मरांडी के वकील एवं झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट RN सहाय यशवर्धन एवं उसके गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि स्पीकर के नोटिस पर हाईकोर्ट के अंतरिम रोक लगा रखी है। कोरोना के बीच कड़ाके की ठंड पर क्या बोले झारखंड के CM, तो आइए जानते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना महामारी और ठंड के इस मौसम में गरीब, जरूरतमंद और निराश्रितों के लिए मदद करना हम सभी का कर्तव्य है। ऐसे वर्ग के लोगों के लिए ठंड का मौसम काफी पीड़ादायक होता है। इन्हें सामाजिक सहयोग एवं सुरक्षा देना हम सबकी जिम्मेदारी है। जरूरतमंद को आवश्यकता अनुसार साधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। यह बातें बुधवार को रांची के डोंडरा स्थित संत जेवियर स्कूल में मिशन व मिलियन व स्माइल्स द्वारा आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CM ने ये बातें रखी। GST व उत्पाद शुल्क ने की सर्विस टैक्स में गड़बड़ी पर कार्रवाई, इन संस्थाओं से की गई 11.80 करोड़ की वसूली। केंद्र GST व उत्पाद शुल्क विभाग ने झारखंड राज्य सरकार खनिज विकास निगम सहित 19 संस्थाओं से 11 करोड़ 80 लाख रुपए की वसूली की है। इन संस्थाओं द्वारा GST और GST लागू होने से पहले सर्विस टैक्स में गड़बड़ी की गई। सबसे ज्यादा राशि की वसूली GSMDC से की गई। रांची, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, देवघर और पाकुड़ के संस्थाओं से वसूली की गई है। केंद्र GST व उत्पाद शुल्क विभाग ने GST में गड़बड़ी से संबंधित कुल 39 मामलों की जाँच की थी। इन मामलों में 208.80 करोड़ रुपए की राशि निहित है। जांच के दायरे में शामिल किए गए 39 में से 18 मामले सिर्फ कागज पर व्यापार कर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने से जुड़ा है। इन 18 फर्जी संस्थाओं के कागजी व्यापार दिखाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में 152.59 करोड़ रुपए का फायदा उठाया। अब खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। खबर भारत के पड़ोसी देश नेपाल से है। नेपाल में संसद हुआ भंग, PM ओली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 4 जजों की पीठ 25 दिसंबर को करेगी सुनवाई। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार भंग करने के मामले में दायर याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है।
शुक्रवार से मुख्य न्यायाधीश सहित चार जजों की पीठ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ओली के निर्णय पर अंतरिम आदेश की मांग को खारिज कर दिया। इधर नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में एक धड़े ने प्रधानमंत्री केपी ओली को संसदीय दल के नेता पद से हटाते हुए पार्टी के कार्यकारी संयोजक पुष्प कमल दहल प्रचंड को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। किसानों को पीएम मोदी की तरफ से मिलने वाला है तोहफा, सीधे खातों में ट्रांसफर होगा 18,000 से ज्यादा करोड़ रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सातवीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। बता दें कि जल्द ही किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई है। पीएम मोदी इस महीने की 25 तारीख यानी कल, मतलब पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर देश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे। खबर भारत के पड़ोसी राज्य पाकिस्तान से है। इमरान ने नए पाकिस्तान में एक अंडा 30 रुपए, अदरक 1,000 रुपए किलो और आटे का दाम ऐसा कि जनतक निकले आंसू। नया पाकिस्तान बनाने आए इमरान खान जब से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं हालत उनके हाथ में आ नहीं रहे हैं। पाकिस्तान में इन दिनों महंगाई का ऐसा आलम है कि जनता खून के आंसू रो रही है। बता दें कि पाकिस्तान में एक अंडे का दाम 30 रुपए है, वहीं अदरक इन दिनों 1,000 रुपए किलो चल रहा है। इसके अलावा आटे का दाम ऐसा है कि जनता को 2 जून की रोटी नसीब होने की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को धान बेचने में ना हो कोई परेशानी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद कार्य को पूरी सक्रियता से संचालित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक धान क्रय केंद्र के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। मुख्यमंत्री यहां लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान को धान बिक्री के लिए इंतजार न करना पड़े, इसके लिए खरीद केंद्र पर कांटों की संख्या बढ़ाई जाए। भारत के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली में शुरू की जन रसोई, केवल 1 रुपये में मिलेगा खाना। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने जन रसोई भोजनालय की शुरुआत करेंगे। जन रसोई में उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी दिल्ली में जरूरतमंद लोगों को 1 रुपये में दोपहर का भोजन दिया जाएगा। भाजपा केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर ने बताया कि बुरहान बानी के गांव में भी हार गया गुपकार गैंग, लोगों ने काम करने और राज करने वाले को देखा फर्क। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद ने चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्र शासित प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इन चुनाव में बीजेपी को 74 सीटों पर जीत हासिल हुई है। पार्टी इस बड़ी जीत पर सारे भाजपा नेता खुश है। इसी क्रम में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर से ऐतिहासिक जीत को जम्मू कश्मीर की जनता उनकी आशा और विकास की विजय बताया। कृषि कानूनों के समर्थन में किसानों की महारैली देख कांग्रेसी और दलालों को पीड़ा होना स्वाभाविक। कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों अब भी सरकार से वार्ता करके मामले को सुलझाने के पक्ष में नहीं है। लगभग हर विरोधी पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों की मांग का समर्थन कर रही है। ऐसी स्थिति में जब आंदोलन पर बैठा कोई किसान नेता सरकार की सुनने को तैयार नहीं है, उस समय दूसरी जगहों से कुछ अलग तस्वीर सामने आई है। इनमें देख सकते हैं कि सैकड़ों किसान इन्हीं कृषि कानूनों से खुश होकर उनके पक्ष में रैली निकाल रहे हैं। NIA ने दिल्ली एयरपोर्ट से खालिस्तानी आतंकी गुरजीत को किया गिरफ्तार। मोइन खान के साथ मिलकर रच रहा था बड़ी साजिश। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरजीत सिंह निज्जर को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। खालिस्तानी आतंकी गुरजीत मोइन खान समेत कई आतंकियों के साथ मिलकर बहुत बड़ी साजिश रच रहा था। गुरजीत सिंह ने निज्जर 2017 में भारत से फरार होकर यूरोप चला गया था और इन दिनों यूरोप के साइप्रस में रह रहा था। सेना के जवानों संग अश्लील वीडियो बनाकर करती थी ब्लैकमेल, गिरोह सहित गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सेना के जवानों को हैनी ट्रैप में फंसाने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड युवती और उसके गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से युवती समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 1,36,00,000 गरीब छात्र 10वीं के बाद पढ़ाई से हो जाते हैं दूर।
देश भर में करीब 1,36,00,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। यह जानकारी एक ट्वीट के सामने आई है। दरअसल पीआईबी के प्रिंसिपल डायरेक्टर के एस धतवालिया ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि लगभग 1,36,00,000 ऐसे सबसे गरीब छात्र हैं जो फिलहाल वे 10वीं के बाद आगे की शिक्षा जारी नहीं रख पाते हैं। उन्हें अगले 5 वर्षों के हायर एजुकेशन सिस्टम से जोड़ा जाएगा। अमेरिकी बच्चों के सेक्स पोर्न वीडियो का कश्मीर कनेक्शन। नियाज अहमद मीर को एफबीआई सीबीआई ने श्रीनगर से दबोचा। श्रीनगर में एक आदमी रहता है, नाम है रियाज अहमद मीर। इसकी बीबी तमारा स्टेशनली अमेरिका के वाशिंगटन में रहती है। सीबीआई ने नियाज अहमद मीर को उसके श्रीनगर घर से गिरफ्तार किया है और मंगलवार को स्थानीय अदालत में पेश किया। सीबीआई ने नियाज अहमद मीर को एफबीआई से मिली सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। सूचना यह है कि वह अमेरिकी बच्चों के यौन शोषण वाले वीडियो के जरिए भारत में बैठे बैठे सेक्स रैकेट चलाता था। भारतीय सेना की नई मिसाइल, जमीन से हवा में ऐसा हमला, दुश्मन मिनटों में होंगे ढेर। चीन और पाकिस्तान के साथ जारी गतिरोध के बीच भारत लगातार अपनी सैन्य ताकतों को बढ़ाने का काम तेजी के साथ कर रहा है। इसी कड़ी में डीआरडीओ की ओर से लगातार विकसित हो रही मिसाइलों का परीक्षण जारी है। बुधवार को ओडिशा तट पर भारत ने एक नई मारक मिसाइल का परीक्षण किया। बताया जा रहा है कि मध्यम श्रेणी की मिसाइल सतह से हवा मार करने में भी सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज 11 बजे इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़े और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। नेहरू का बिगाड़ा, मोदी ने संवारा। डीआरडीओ अब बदल चुका है और यह भारत के लिए बेहद अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि पंडित नेहरू के जमाने से अपनी सुस्ती और सफलता से अधिक असफलता के लिए मशहूर डीआरडीओ अब जाग चुका है और इसमें एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ की स्थापना 1958 में भारत की रक्षा सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा प्रणालियों और संसाधनों से लैस करके एक निर्णायक बढ़त प्रदान करने की दृष्टि से की गई थी जो पिछले 65 वर्षों में कभी पूरा नहीं हुआ। खबर भारतीय रेलवे से है। अब दौड़ेगी ये स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को आराम से मिलेगी सीट और किराया मात्र इतने रुपए। जानिए क्या है किराया। भारतीय रेलवे ने बुधवार यानी कल कुछ स्पेशल ट्रेन शुरू की है। इन ट्रेनों में यात्रियों को आराम से टिकट मिलेगा और खास बात यह है कि इनका किराया भी काफी कम है। बता दें कि रांची और हावड़ा के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन शुरू हो गई है। इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी। आइए आपको इस ट्रेन का टाइम टेबल और किराया डिटेल में बताते हैं। रांची से जमशेदपुर तक चेयर कार का किराया सिर्फ 105 रुपए है। वहीं अगर आप इस सफर को बस के जरिए पूरा करते हैं तो आपको करीब 500 रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा एसी चेयर कार का किराया मात्र 375 रुपए है। वहीं रांची से हावड़ा का चेयर कार का टिकट 170 रुपए है जबकि एसी चेयर कार का टिकट 600 रुपए है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।